नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों फाइनली जो यूपी बोर्ड है उसने भी 12th स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम सबसे बड़ी खबर को जानेंगे आपकी परीक्षाओं को लेकर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ओपन करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर को कि आज की खबर में क्या आया है आपके लिए परीक्षा या प्रमोट को लेकर। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो एक विषय का 1% 72, फिर भी परीक्षा में लगेगा 1 महीना। ये देख सकते हो दोस्तों आज ही का न्यूज़पेपर है, चाहो तो आप इधर देख लेना, ये जैसे बरेली 4 जून ऊपर की तरफ देख लेना, ये आज ही का न्यूज़पेपर है। तो मतलब कि ये किसके लिए, कौन से ईयर के लिए बोल रहे हैं दोस्तों? ये फाइनल ईयर यानी अंतिम वर्ष के लिए बोल रहे हैं कि एक विषय का 1% 72, फिर भी परीक्षा में लगेगा 1 महीना। ये बात सही है, शासनादेश के बाद विवि अंतिम वर्ष की परीक्षा के लिए जारी करेगा परीक्षा कार्यक्रम। यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों अमृत विचार बरेली, ये 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द हो चुकी है। अब स्नातक और स्नातकोत्तर की परीक्षाओं को लेकर शासन को फैसला लेना होगा और यह फैसला दोस्तों जल्द से जल्द लेना होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था 10 जून तक यह फैसला लिया जा सकता है, मैंने आपको पहले बताया था। और अभी तक की तैयारियों से साफ है कि अंतिम वर्ष की परीक्षाओं का आयोजन कराया जाएगा। ये तो क्लियर है दोस्तों, बिल्कुल 100% अंतिम ईयर की तो परीक्षा 100% होगी। एक विषय का 1% 72 तैयार कर परीक्षा कराई जाएगी। यदि इस तरह से परीक्षा कराई जाती है तो भी कम से कम 1 महीना या उससे अधिक समय लगेगा। हाँ लग सकता है दोस्तों परीक्षाओं के आयोजन में लगेगा क्योंकि BA, BSc, BCom, MA, MSc व MCom के अलग अलग विषयों की अलग अलग परीक्षा होगी। अकेले BA में ही कुछ विषय की परीक्षाएं देख सकते हो दोस्तों। और यहाँ पर देख लो ये आज ये मतलब कि रुहेलखंड विश्वविद्यालय का मुख्य गेट है ये वाला ये। और यहाँ पर देख सकते हो BA में ही 30 विषय की होगी परीक्षा, ओनली BA सब्जेक्ट में ही 30 विषय की परीक्षा होगी। अब सिर्फ एक विषय के 1% 72 की बात करें तो BA में अरबी, पर्शियन, TTM, फॉरेन ट्रेड, फैशन डिजाइनिंग, फंक्शनल हिंदी, डिफेंस स्टडीज, उर्दू, शिक्षा, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान, चित्रकला, गणित, अंग्रेजी सभी की परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। इसी तरह से BSc में गणित और जीव विज्ञान के अलग अलग विषयों के 1% 72 होते हैं। BSc के विषयों की बात करें तो BSc स्टेटिक्स, कंप्यूटर और एप्लीकेशन, पर्यावरण विज्ञान यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ पर दोस्तों स्नातकोत्तर की परीक्षा में लगेंगे 20 दिन, यानी मतलब कि स्नातकोत्तर यानी PG की परीक्षा में 20 दिन लगेंगे। MA फैशन डिजाइन स्कूल, ये सभी सब्जेक्ट यहाँ पर आपको दिए हुए हैं, ये वीडियो को पॉज करके आप पढ़ लेना। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो शिक्षक भर्ती निकालने पर सिर मुंडवाकर विरोध, मतलब कि किसी ने शिक्षक भर्ती न निकलवाने के कारण शिक्षक कोई मतलब कि कोई भी बंदा था उसने सिर मुंडवाकर सरकार का विरोध किया है, ये यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों ये। तो दोस्तों आई होप आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और जैसा मैंने आपको बता दिया आपका फाइनल डिसीजन 10 जून को आने वाला है। 10 जून तक आप वेट करिए और मैं यही गाइड करूंगा कि आप अपनी पढ़ाई को रेगुलर रखिए, क्योंकि रेगुलर रखोगे तभी तो आपके पढ़ाई आपके काम आ जाएगी आगे। जैसे मतलब अगर बाई चांस आपके एग्जाम नहीं होते तो आपकी जो पढ़ाई रहेगी उसी से आप अपना एग्जाम देना। तो दोस्तों बस आज की इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ ऐसे नए कंटेंट लेकर। चैनल पर फर्स्ट बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तो तब तक के लिए गुड बाय।